इंटरनेट पर आपने वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस तो बहुत देखे होंगे। कहीं पर कोका कोला में मैगी बन रही है तो कहीं पर समोसे में आइसक्रीम को फ्राई किया जा रहा है। लेकिन ये सारे फूड ट्रेंड्स आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। रिसेंटली बैंगलोर में एक 12 साल की लड़की ने वेडिंग इवेंट में लिक्विड नाइट्रोजन वाला पान कंज्यूम किया, जिसके बाद उसे सीवियर स्टमक एक और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हुई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे डायग्नोज किया विद परफोरेशन पेरिटोनाइसिस, एक ऐसी सीरियस कंडीशन जिसमें आपके स्टमक में होल हो जाता है। उसकी अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी और उसके स्टमक के एक हिस्से को रिमूव किया गया। नाउ दिस क्लियरली शोज कि जो फूड में केमिकल्स को मिक्स किया जाता है फूड एस्थेटिक्स के लिए, हाउ हेल्थ डैमेजिंग इट कैन बी। नाउ व्हाई लिक्विड नाइट्रोजन इज डेंजरस फॉर यू। लिक्विड नाइट्रोजन की दो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिए सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। पहला, उसका टेम्परेचर जो जनरली होता है -190 to 200 degrees Celsius। नॉर्मल बर्फ का टेम्परेचर होता है -40 to -50। उसे भी अगर हम लंबे टाइम तक हाथ में होल्ड करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स नंब हो जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर -200 degrees Celsius की चीज आपके स्टमक में जा रही है तो वो सीवियर कोल्ड बर्न क्रिएट कर सकती है, हीट बर्न्स की तरह। दूसरा, लिक्विड नाइट्रोजन की एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज। 1 gram लिक्विड नाइट्रोजन एक्सपेंड होती है एज पर 600 to 700 ml ऑफ गैसेस, तो स्टमक में जाते ही ये सीवियर ब्लोटिंग कॉज कर सकती है। जनरली लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फूड आइटम्स में माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए, बट दीस डेज फूड ट्रेंड्स के चलते इसे हाईली यूज किया जा रहा है फ्रोजन डेजर्ट्स बनाने के लिए, वेपर क्लाउड्स बनाने के लिए या स्मोकी लुक देने के लिए। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी रेस्टोरेंट्स में जिनमें से अननेसेसरली स्मोक निकल रहा है या कुछ लिक्विड पोर किया जाता है स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसे बैन तो नहीं किया है, पर ये एडवाइजरी इशू की है कि इसे सिर्फ फैक्ट्रीज में ही यूज किया जाए और इस तरह से रेस्टोरेंट्स में इसे यूज ना किया जाए। तो अगली बार ऐसे इंटरेस्टिंग फूड एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें क्या चीज डाली गई है, कहीं वो केमिकल्स तो नहीं है जो आपको सीवियरली इफेक्ट करे। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की फॉलोइंग।